हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल हमारे चैप्टर का नाम है, तो आज इसके हम एमसीक्यूज देखेंगे। देखिए, आपको इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस वाई इक्वल टू कोस एक्स एंड वाई इक्वल टू साइन एक्स। लिमिट आपकी है एक्स एक्सिस की एक्स जीरो टू पाई बाय टू। देखिए, जब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर वाई एक्सिस। कोस के लिए अगर हम बात करें तो कोस जीरो पर होता है वन और पाई बाय टू पर आपका होता है जीरो। तो कोस के लिए आपका ग्राफ बनता है ये वाई इक्वल टू कोस एक्स। और अगर हम साइन के लिए बात करें तो साइन जीरो पर जीरो होता है और पाई बाय टू पर आपका होता है वन। ये आपका बना है वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए, आप जानते हैं कि कोस एक्स और साइन एक्स कौन सी वैल्यू पर आपकी कट करती है। देखिए, इक्वल कब होती है, कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स अगर हम देखें तो आप लिख सकते हैं कोस एक्स से जब हमने डिवाइड किया तो ये बना साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। टेन एक्स आपका वन होता है पाई बाय फोर पर। मीन्स दोनों ग्राफ जो आपकी ये कट करें, ये पॉइंट आपका आया है पाई बाय फोर। देखिए, ऊपर वाला जो ग्राफ बना हुआ है ये बना हुआ आपका कोस का, और नीचे जो ग्राफ है आपका ये बना हुआ है आपका साइन का। तो देखिए, ये एरिया आपको फाइंड करना है, तो ये एरिया आप कैसे फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले आपको कोस का दिया हुआ है और देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है। एक्स एक्सिस पर अगर हम बात करें तो जीरो टू पाई बाय फोर, जीरो टू पाई बाय फोर पे सबसे पहले आप कोस का लेंगे और उसके बाद इसमें से आप किसको माइनस करेंगे। देखिए, नीचे वाला जो आपका बन रहा है ये है साइन एक्स का, तो इसमें से अगर हम साइन एक्स का माइनस कर दें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स। लिमिट आपकी जीरो टू पाई बाय फोर, यहाँ से आपको मिल जाता है पाई बाय फोर रखने पर वन बाय रूट टू। अगर हम जीरो रखते हैं तो आपके पास आता है साइन जीरो पर जीरो होता है और कोस जीरो पर होता है वन। तो यहाँ से हमें मिलता है टू अपॉन रूट टू माइनस वन, दैट इज रूट टू माइनस वन यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। देखिए, आपका जो आंसर यहाँ पर करेक्ट है वो है आपका सी, ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। देखिए, एक आपको यहाँ पर पैराबोला दिया हुआ है, कर्व जो की जो इक्वेशन है ये पैराबोला की आपकी है, और दूसरा आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है, दैट इज एक्स इक्वल टू फोर वाई माइनस टू। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए पैराबोला स्टूडेंट्स को मेनली ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि पैराबोला आपका कहाँ पर ड्रॉ होने वाला है, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। तो छोटी सी हिंट मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। देखिए, अगर हम पैराबोला हम देखें तो देखिए x जीरो पर y जीरो आ रहा है, इट मीन्स ये आपका सेंटर को टच करने वाला है। और सिमेट्रिकल होता है पैराबोला, मीन्स जैसा आपका एक साइड होगा वैसा ही आपका दूसरी साइड बनने वाला है। साथ में यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपको स्क्वेयर दिया हुआ है, यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी वो प्लस माइनस करके आने वाली है। तो x प्लस माइनस आपका देखिए यहाँ पर होता है आपकी हॉरिजेंटल लाइन पर, यानी कि आपका जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनने वाला है। क्लियर? अगर नेगेटिव होता है तो आप बिलो द लाइन बनाते हैं, बिलो द ओरिजिन बनाते हैं, और अगर आपका पॉजिटिव दिया हुआ है तो आप अपवार्ड बनाते हैं। क्लियर? आपने पैराबोला तो ड्रॉ कर लिया है, साथ में आपको बोला गया है कि जो लाइन है आपकी वो आपको दी हुई है एक्स प्लस टू इक्वल टू फोर वाई। मीन्स जब आप x जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू मिलती है आपको वन बाय टू, और अगर आप y जीरो रखते हैं तो x की वैल्यू मिलती है माइनस टू आपको। तो यहां से आप लिख सकते हैं आपकी जो, ये देखिए सेंटर से तो पास हो नहीं रही है लाइन, आपको दो पॉइंट मिल गए हैं x के, तो यहां से आपकी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनने वाली है। अब हमें ये नहीं पता ये पैराबोला को किस पॉइंट पर काट रही है आपकी जो स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू फोर वाई माइनस टू, और पैराबोला आपके पास है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू फोर वाई। तो सबसे पहले हम हमारी लिमिट्स को फाइंड कर लेते हैं। तो लिमिट फाइंड करने के लिए देखिए x एक्सिस की आपको लिमिट फाइंड करनी है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वेयर इक्वल टू फोर
और y आप निकालेंगे सेकेंड लाइन में से। देखिए स्ट्रेट लाइन में से हम y फाइंड कर रहे हैं, ये आपके पास आता है x प्लस टू अपॉन फोर, ये हमने y की वैल्यू रख दी है, तो यहाँ से आपको मिलता है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो x की लिमिट आप कैसे लेके आएंगे, आपको बताया गया है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे b के प्लेस में माइनस वन और आपके पास a है वन और c है माइनस टू अपॉन टू, a आपका वन है, तो देखिए यहाँ से क्या मिला है वन प्लस माइनस थ्री अपॉन टू, दैट इज माइनस टू अपॉन टू माइनस वन एंड फोर बाय टू दैट इज टू। तो आपकी x की जो लिमिट्स है देखिए आपकी क्या क्या मिल रही है, एक तो आपका कट कर रहा है x इक्वल टू माइनस वन पर, ये जो कटिंग पॉइंट है आपका x इक्वल टू माइनस वन है और दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू आपका है टू। आपको जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड स्ट्रेट लाइन है वो आपको फाइंड करना है, तो देखिए इन दोनों में आपका ये एरिया बाउंड किया जा रहा है, तो ऊपर जो लाइन है आपकी अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन का एरिया पूरा आपका नीचे तक कवर किया गया है और उसमें से अगर हम पैराबोला माइनस कर दें तो जो शेडेड पोर्शन है आपको वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लिमिट रखेंगे माइनस वन टू टू, आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस टू बाय फोर, माइनस में पैराबोला की आपके पास है एक्स स्क्वेयर बाय फोर टी एक्स, वन बाय फोर हम बाहर रख लेते हैं और आपके पास ये बनेगा एक्स स्क्वेयर बाय टू प्लस टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री, लिमिट आपकी है माइनस वन से टू। देखिए अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट आपकी होती है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर वन बाय फोर फोर बाय टू दैट इज टू प्लस फोर माइनस एट बाय थ्री माइनस वन बाय टू प्लस टू माइनस वन बाय थ्री। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाता है 9 बाई एट स्क्वेयर यूनिट, मीन्स आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड क्लोज बाय द एक्स एक्सिस द लाइन वाई इक्वल टू एक्स एंड सर्कल इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 32। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 32 आपको दिया हुआ है, इसका मतलब सेंटर आपका यहाँ पर है 0 0। आप जानते हैं इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो रेडियस यहाँ अगर हम बात करें तो ये रेडियस है आपकी रूट 32, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 4√2। दूसरी आपको लाइन दी हुई है एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि आपके पास जो लाइन बनेगी वो आपकी सेंटर से पास होने वाली है 0 पर 0 वन पर वन, तो आपका जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। सर्कल आपको जो है रेडियस लेना है 4√2, तो मान लेते हैं ये जो आपका है ये पॉइंट है 4√2, ये डिस्टेंस कवर की गई है, सेंटर आपका 0 0 है। इसके बाद आपको बोला गया है y इक्वल टू एक्स, यानी कि जो लाइन बन रही है वो सेंटर से पास हो रही है आपकी, ये आपकी लाइन होगी y इक्वल टू एक्स, ये आपकी सर्कल हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 32। आपको बोला गया है एरिया जो इनने कवर किया है वो अगर हम देखें तो देखिए एरिया जो कवर किया गया है आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस को अगर हम देखें तो ये दो पार्ट में आपका आ रहा है। पहला अगर हम लाइन ने जो एरिया कवर किया है वो निकालें और उसके बाद आपका जो सर्कल ने एरिया कवर किया है हम वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट निकालना है जो एक्स एक्सिस पर आपका कट कर रहा है, तो देख लेते हैं ये पॉइंट आपको बताया गया है कि जो दो इक्वेशन आपको गिवन होती है आप उनकी हेल्प से निकालेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई आपका एक्स दिया हुआ है तो हम एक्स रख सकते हैं यहाँ पर, तो ये बना टू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 32, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 16 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये जो पॉइंट आपका आ रहा है ये आ रहा है 4 0। देखिए अगर हम सेंटर से बात करें तो आपके पास आप लिखेंगे इसको, सिर्फ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है इसीलिए हम इसको सिर्फ इतना ही लेंगे, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपको ये एरिया यहाँ पर फाइंड करना है। क्लियर, तो सबसे पहले आप लाइन का लिखेंगे 0 टू 4, लाइन आपके पास है एक्स डी एक्स प्लस में
फिर देखिए 4 से लेके 4 रूट 2 तक आपका कवर करना है आपको रीजन, और ये किस में आ रहा है आपका सर्कल में। देखिए यहाँ से सर्कल की इक्वेशन आती है 32 माइनस में एक्स स्क्वेयर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनने वाला है एक्स स्क्वेयर बाय 2, लिमिट है 0 टू 4, प्लस इंटीग्रल 4 टू 4 रूट 2, और यहाँ आप लिख सकते हैं देखिए ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आपका होता है रूट 32 इट्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आपको फॉर्मूला याद है तो हम लिख देते हैं, ये फर्स्ट में आपने लिमिट अप्लाई की, प्लस में आपके पास फॉर्मूला था एक्स बाय टू रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो देखिए ए यहाँ पर रूट 32 यानी कि 4 रूट 2 आप लिख सकते हैं, लिमिट है आपकी 4 से 4 रूट 2। अपर माइनस लोअर जब आप लिखेंगे तो ये आपका बनने वाला है -8 -4 पाई, तो आपको ये मिलता है यहाँ से 8 पाई -4 पाई दैट इज 4 पाई स्क्वेयर यूनिट, मीन्स योर आंसर इज बी ऑप्शन। देखिए एरिया एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू कोस एक्स एंड लिमिट इज बिटवीन 0 टू पाई, तो आपको पता है एक्स एक्सिस पर हमारे पास कोस अगर हम 0 लेते हैं तो वाई आपके पास आता है 1, और अगर हम पाई लेते हैं तो आपकी वैल्यू आती है -1, मीन्स आपका ये पॉइंट। साथ में हम ये भी जानते हैं कि पाई बाय टू पर कोस होता है 0, और पाई बाय टू से अगर हम बात करें पाई तक जाते हैं तो हमारी वैल्यू रहेगी -1। तो देखिए 0 से पाई तक आपके दो पार्ट्स में ये आया है, तो या तो आप ये कर सकते हैं कि 0 टू पाई बाय टू आप लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये दोनों एरिया ही आपके सेम है तो आप एक एरिया को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 0 टू पाई बाय 2 आप लिखें, इंटीग्रल 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है और इंटीग्रेशन किया है कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स का आपका होता है साइन एक्स, लिमिट आपने पुट की है 0 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 पर साइन की वैल्यू होती है 1 और 0 पर वैल्यू होती है आपकी 0, तो यहाँ से आपको मिला है 2, 2 स्क्वेयर यूनिट आपका आंसर आया है, मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स एंड द स्ट्रेट लाइन 2y इक्वल टू एक्स। देखिए वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स आपको पैराबोला बोला गया है, मीन्स आपके पास जो y है वो प्लस माइनस दोनों वैल्यू ले रहा है आपकी, और x अगर हम 0 रखते हैं तो y भी 0 है, तो देखिए आपके पास कुछ इस टाइप से आपका बनने वाला है, y आपकी प्लस माइनस दोनों ली गई है, तो देखिए प्लस माइनस तभी आ सकता है जब आपका पैराबोला यहाँ पर बना हो राइट साइड ऑफ द ओरिजन, क्लियर। इसके बाद आपको बोला गया है कि जो स्ट्रेट लाइन है आपकी, देखिए वाई इक्वल टू एक्स बाई टू है, तो यहां से अगर मैं एक्स 0 लेती हूँ तो वाई भी 0 आएगा, इसका मतलब ओरिजन से पास हो रही है आपकी स्ट्रेट लाइन, तो ये आपकी बन गई है स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू एक्स बाई टू, और ये आपका पैराबोला है वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। अब आपको ये बोला गया है कि जो एरिया बाउंड किया गया है पैराबोला और स्ट्रेट लाइन से, तो देखिए वो ये एरिया आपका आता है, मीन्स सबसे पहले हम पैराबोला का एरिया लें और उसमें से क्या माइनस कर दें, स्ट्रेट लाइन का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमें हमारा रीजन मिल जाएगा ये रीजन, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये कट कौन से पॉइंट पे कर रही है, तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम कटिंग पॉइंट निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस का। तो देखिए वाई इक्वल टू आपके पास है एक्स बाय टू और वाई स्क्वेयर है आपके पास एक्स, तो वाई स्क्वेयर में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर बाय फोर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू फोर एक्स, तो एक्स इज 0 एंड 4। देखिए जब आप एक्स 4 रखते हैं तो आपके पास वाई की वैल्यू कितनी आती है, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्लियर। तो आप देखेंगे यहाँ जो आपका रीजन बन रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आने वाला है, तो ये जो वाई एक्सिस पर अगर हम पॉइंट देखें तो वाई एक्सिस पर आता है 2 और एक्स एक्सिस पर आपको मिल रहा है ये पॉइंट 4।
तो ये जो लाइन आपकी आती है ये आ रही है आपकी जीरो टू फोर। आप पैराबोला लेंगे और उसमें से आप स्ट्रेट लाइन माइनस करेंगे। तो देखिए एरिया आपके पास क्या आ जाता है, जीरो टू फोर। सबसे पहले आपने पैराबोला लिया तो ये है रूट एक्स, माइनस में आपने किया स्ट्रेट लाइन। अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया है। तो देखिए इसका आपने इंटीग्रेशन किया तो ये बना एक्स की पावर थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू अपॉन टू दैट इज फोर। लिमिट आपकी जीरो टू फोर। लिमिट अप्लाई करने पर आपको मिलता है टू बाय थ्री इंटू एट माइनस सिक्सटीन बाय फोर। तो हेयर वी गेट सिक्सटीन बाय थ्री माइनस फोर, सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व बाय थ्री दैट इज फोर बाय थ्री। तो आवर आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपको एरिया फाइंड करना है वाई इक्वल टू साइन एक्स और लिमिट आपको गिवन है जीरो से पाई बाय टू। एक्स एक्सिस पर आपको बताना है। तो देखिए जीरो से पाई बाय टू अगर हम साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जीरो पर वैल्यू होती है जीरो और पाई बाय टू पर वैल्यू होती है वन। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ ये बनने वाला है। तो आपका जो रीजन है आपको ये फाइंड करना है जीरो से पाई बाय टू के बीच में। तो आप लिखेंगे एरिया इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स। लिमिट है जीरो टू पाई बाय टू। पाई बाय टू पर आपके पास कोस की वैल्यू होती है जीरो और जीरो पर वैल्यू होती है वन। यहाँ पर आपके पास आया वन स्क्वेयर यूनिट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। देखिए ये जो इक्वेशन दी हुई है ये इलिप्स की है आपकी। एक्स स्क्वेयर बाय 25 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 16 इक्वल टू वन। इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू वन। तो आपको मैं सीधा ही बता देती हूँ, आपके पास जब लिमिट्स दी हुई होती है एक्स ए से आपका बी पर है तो आपके पास एरिया आप जब निकालेंगे तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं पाई इंटू में ए बी स्क्वेयर यूनिट। तो देखिए यहां से अगर हम बात करें तो ए आपके पास आ रहा है 5 और बी आपके पास आता है 4। तो एरिया आपके पास कितना मिलेगा पाई इंटू में 5 इंटू फोर दैट इज 20 पाई स्क्वेयर यूनिट। मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल। देखिए सर्कल के थ्रू आपका बाउंड किया गया है और देखिए सेंटर यहां पर हमारे पास आ रहा है जीरो जीरो और रेडियस हमारा है वन। इक्वेशन आपको याद होगी, मैंने आपको पीछे बताया है रेडियस यहां पर है वन। देखिए वन रेडियस मान के आपको सेंटर सर्कल सेंटर जीरो जीरो लेना है और रेडियस लेनी है आपको वन। क्लियर। अब देखिए यहां पर ये जो इक्वेशन आई है ये है सर्कल की एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू वन। तो जीरो टू वन अगर हम लेते हैं तो देखिए चारों पार्ट्स आपके इक्वल हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि आप फोर से मल्टीप्लाई कर दें एरिया जब निकाल रहे हैं और एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाल लेते हैं। तो हमने जीरो टू वन रखा इसको। सर्कल आपके पास है वन माइनस एक्स स्क्वेयर रूट एक्स एक्सिस पर हम निकाल रहे हैं तो यहां से आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट। तो ये फॉर्मूला था आपका एक्स बाय टू रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट है आपकी जीरो टू वन। पुट करने पे आपको मिलता है यहां से वन बाय टू इंटू फाइव बाय सो हेयर वी गेट पाई स्क्वेयर यूनिट। बी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन. स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है एंड द लाइन एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू थ्री. देखिए कोई भी दो पॉइंट आप रैंडमली अपनी तरफ से रख के देख सकते हैं. स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. अगर हम x 2 रखते हैं तो y आपको मिलने वाला है. x 2 रखने पर y मिलेगा आपको यहाँ से 3. अगर x हम 3 रखते हैं तो y आपको मिलने वाला है 4. तो दो पॉइंट आपको मिल गए यहाँ पर 2 3 एंड 3 4. मान लीजिए 2 3 ये पॉइंट है आपका और 3 4 पर आपका ये पॉइंट है. तो ये आपके पास यहाँ पर लाइन मिली है y इक्वल टू एक्स प्लस वन. एक आपको पॉइंट दिया है x इक्वल टू टू और दूसरा पॉइंट है आपका x इक्वल टू थ्री. ये आपका x इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू थ्री. देखिए ये आपका रीजन आता है. तो यहां से एरिया आप जब फाइंड करेंगे तो लिमिट आपकी है 2 टू 3. स्ट्रेट लाइन आपकी है x प्लस वन डी एक्स. यहां से आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स. लिमिट आप रखेंगे 2 टू 3. ये मिलने वाला है आपको 9 बाय टू प्लस 3 माइनस 4 बाय टू माइनस 2. तो यहां से हमारे पास आता है 15 बाय टू माइनस 4 दैट इज 7 बाय टू स्क्वायर यूनिट. ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 2y प्लस 3. y आपको दिया हुआ है 1 एंड y इक्वल टू माइनस 1. जब आपने y 1 रखा तो x की वैल्यू मिलती है आपको 5 और y माइनस 1 रखते हैं आप तो x की वैल्यू आपको मिलती है यहाँ से 1. आपने स्ट्रेट लाइन में रखा है. देखिए स्ट्रेट लाइन आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे. यहाँ से 1 और माइनस 1 है y एक्सिस पर. x पर आपका 1 और 5 आ रहा है. तो यहाँ से देखिए आप जब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ये लाइन मिलने वाली है. माइनस 1 पर आपका आता है 1. कुछ इस तरह से आपकी लाइन यहाँ पर ड्रॉ होने वाली है और आपको बोला गया है y 1 और y माइनस 1. ये y इक्वल टू माइनस 1 है आपका और ये y इक्वल टू 1 है. बीच में आपका ये ओरिजिन है. तो देखिए कौन से आपका पार्ट बाउंडेड आ रहा है यहाँ पर. ये जो रीजन है ये आपको फाइंड करना है. देखिए हमने लिमिट y की ली है तो आपको सारा यहाँ जो फंक्शन लिखना है इंटीग्रल के अंदर वो y में लिखना होगा. तो एरिया आपका आ रहा है लिमिट है माइनस 1 टू 1 और y पर अगर हम बात करें तो 2y प्लस 3 dy. तो ये आपके पास आता है 2y स्क्वायर बाय 2 प्लस 3y. लिमिट है माइनस 1 से 1. वाई स्क्वेयर प्लस 3y. तो आपके पास ये मिलता है 1 प्लस 3 माइनस में 1 माइनस 3. तो ये आपका मिला है 4 प्लस 2 दैट इज 6 स्क्वेयर यूनिट. सी ऑप्शन इज करेक्ट. आपको बोला गया एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एंड द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू थ्री. तो देखिए आप यहाँ पॉइंट रख के देखेंगे तो आपका एरिया जो यहाँ पर बनने वाला है ये आपको मिलेगा. जब आपने x जीरो रखा तो y आपका आता है माइनस 1. तो पैराबोला आपका कुछ इस टाइप से बनने वाला है क्योंकि एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है तो x की प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज ली जाएंगी. और x प्लस वाई इक्वल टू थ्री. जब आप y जीरो रखते हैं तो x थ्री मिलने वाला है और x जीरो रखेंगे तो आपको मिलेगा y थ्री. तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन है देखिए वो कुछ इस तरीके से जाने वाली है. अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये पैराबोला को जो दो पॉइंट पर कट कर रही है वो पॉइंट हमारे कौन से आते हैं. तो मैंने आपको बताया था दोनों इक्वेशन से आप लिमिट्स निकाल सकते हैं. तो आपने y की वैल्यू निकाली है स्ट्रेट लाइन से और आप पैराबोला में रख रहे हैं तो ये मिला है आपको 3 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1.
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहां से x आपका मिलता है माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ए है आपका वन। यहां से मिला है माइनस वन प्लस माइनस रूट सेवनटीन अपॉन टू। तो देखिए ये दो पॉइंट आपको मिले हैं माइनस वन माइनस रूट सेवनटीन अपॉन टू, माइनस वन प्लस रूट सेवनटीन बाय टू। ये दो पॉइंट हमारे आ रहे हैं, इस पॉइंट को हम नाम ले लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है एक्स वन और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एक्स टू। अब हम बात करेंगे हमारा एरिया की। तो देखिए एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन जो है अगर इसमें से स्ट्रेट लाइन में से अगर हम पैराबोला माइनस कर देते हैं तो हमें हमारा एरिया मिल जाएगा। तो आपके पास लिमिट है x1 टू x2, स्ट्रेट लाइन की आपकी इक्वेशन है 3 माइनस एक्स, और पैराबोला की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वन डी एक्स। आप यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स एक्स वन टू एक्स टू। आप लिख सकते हैं इसको 4x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स वन टू एक्स टू। देखिए जब आप ये लिमिट सप्लाई करेंगे तो आपके पास सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर 17 रूट 17 अपॉन 6 स्क्वेयर यूनिट, मीन्स आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स द एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू b इज b माइनस वन साइन थ्री बी प्लस फोर देन फाइंड एफ एक्स। देखिए अब हमें इंटीग्रल की वैल्यू दे दी है, लिमिट आपको वन टू b दी हुई है, आपको एफ एक्स बताना है, इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको दी हुई है, सोल्व करने पर मिलती है बी माइनस वन साइन थ्री बी प्लस फोर। देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे कैसे आप इसमें एफ एक्स निकालेंगे। तो एरिया ऑफ फंक्शन अगर हम लें तो आप बी के प्लेस पे रखेंगे एक्स वन टू एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आप रखेंगे एक्स माइनस वन साइन थ्री एक्स प्लस फोर। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट एफ एक्स इक्वल टू, देखिए बाई प्रोडक्ट होने वाला है, दो फंक्शन आपको x में दिए हुए हैं, तो हमने x माइनस वन का किया तो आपको मिलता है वन इंटू साइन थ्री एक्स प्लस फोर, और अगर हम साइन का करते हैं डिफ्रेंशिएट तो हमें मिलेगा कोस थ्री एक्स प्लस फोर, एंगल का आप करेंगे तो ये मिलेगा आपको थ्री। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन आ जाता है साइन थ्री एक्स प्लस फोर प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन कोस थ्री एक्स प्लस फोर, ये आपका ऑप्शन हमें दिख रहा है सी। नेक्स्ट इज द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू फोर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर एंड x एक्सिस इज। देखिए यहाँ से आप सबसे पहले y जब आप जीरो रखेंगे तो आपके पास मिलने वाला है फोर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपके पास फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू फोर एंड माइनस वन, तो यहाँ से हमें लिमिट मिल गई है माइनस वन टू फोर, और आपके पास फंक्शन है फोर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन होगा 4x प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट है माइनस 1 टू 4। लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको ये मिलता है यहाँ पर 125 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, तो देखिए आपके पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको बताया गया था कि अगर एरिया आपको इलिप्स का निकालना हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज करेंगे पाई इंटू ए बी स्क्वेयर यूनिट।
तो ए आपका यहाँ पर गिवन है 2 और बी आपका गिवन है 3, तो यहाँ से आपको मिला है 6 पाई स्क्वेयर यूनिट, मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लिमिट लिखेंगे, आपको दूसरा मेथड भी बता देते हैं। यहाँ पर इलिप्स जो है, देखिए चारों क्वाड्रेंट में आप किसी भी एक क्वाड्रेंट में लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी है 0 to 3, तो आप लिखेंगे, देखिए चारों में सेम है आपके पास, तो आप लिखेंगे 4 बाहर ले लेंगे हम। 0 to 3 आपने लिया है, आपने वाई एक्सिस की लिमिट ली है, तो आपके पास फंक्शन यहाँ पर बनेगा 1 - y² / 9 इंटू इट्स रूट एंड इंटू 2 dy। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का रूट जब हम लगाते हैं ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का, तो उस फॉर्मूले से जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका सेम आने वाला है। तो आप इजी ये रहेगा कि आप एग्जाम में डायरेक्ट आपका जो ट्रिक है आप उससे सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। देखिए यहां से आपको बोला गया है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी। देखिए आप वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे स्ट्रेट लाइन में से, और आप पैराबोला में पुट करेंगे, तो आपको ये मिलने वाला है 3 - x = x² + 1, तो x² + x - 2 = 0। यहाँ से आपके फैक्टर बनेंगे x + 2 * x - 1, तो x = -2 and 1। क्लियर? तो हम यहाँ से पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं अपना। देखिए आपको एक्स स्क्वेयर बोला गया है, तो एक्स स्क्वेयर है तो आपकी एक्स एक्सिस प्लस और माइनस दोनों ली जाएंगी। जब आपने 0 रखा तो वाई आ जाता है आपके पास 1। तो आपके पास कुछ इस टाइप से आपका पैराबोला ड्रॉ होने वाला है, और लाइन जो है आपके पास x 0 पर पी y 3 होगा और y 0 पर x आपको मिलेगा 3। तो आपकी जो लाइन ड्रॉ होने वाली है वो इस टाइप से लाइन ड्रॉ होगी। तो देखिए जो एरिया है दोनों ने बाउंड किया है वो ये एरिया आता है, यानी कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला माइनस कर दूं तो आपके पास जो ये बाउंडेड रीजन है वो मिलने वाला है। और आपकी जो लिमिट्स दी हुई है, देखिए एक्स एक्सिस पर 1 से -2, -2 to 1 है, तो आप लिखेंगे एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 to 1। स्ट्रेट लाइन आपकी है 3 - x, और इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, पैराबोला x² + 1 dx। तो सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलता है px - x² / 2 - x³/3 - x। -2 to 1 आपकी लिमिट है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2x - x² / 2 - x³/3 -2 to 1। आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आने वाला है 9/2 स्क्वेयर यूनिट। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² = 9x एंड x = 1, x = 4 and y = 0 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं आपका y जो है, देखिए y स्क्वेयर दिया हुआ है, यानी कि y की दोनों वैल्यूज आएंगी प्लस भी और नेगेटिव भी। x जब आप 0 रख रहे हैं तो y भी आपका 0 आ रहा है, तो आपका ये वाला पैराबोला बनने वाला है। और आपको x पर दिया हुआ है 1 और 4, तो आपकी जो लाइन आ रही है वो ये आती है। और आपको बोला गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए इसलिए हम नीचे वाली लाइंस नहीं ले रहे हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये एरिया आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो यहां से आपके पास लिमिट आती है एरिया की 1 to 4 √9x dx। यहां से आप लिख सकते हैं x³/3/2 / 3/2 × 3, लिमिट है 1 to 4, ये आपका आया है 2 * 8 - 1, दैट इज 14 स्क्वेयर यूनिट।
बी ऑप्शन इज करेक्ट। द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x एंड वाई इक्वल टू एक्स। देखिए वाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आने वाला है आपके पास, और एक्स जीरो पर वाई भी जीरो है, तो आपका पैराबोला ये बनेगा, और साथ में वाई इक्वल टू एक्स है यानी कि सेंटर से आपकी पास होने वाली है स्ट्रेट लाइन। तो ये जो रीजन आपका आ रहा है देखिए ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं लाइन और पैराबोला कौन से पॉइंट पे कट हो रही है। तो वाई के प्लेस पे आप रखेंगे एक्स, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4x, एक्स इज जीरो एंड 4। देखिए जीरो टू 4 आपको मिला है यहां से, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन आपकी पैराबोला की है, तो पैराबोला में से अगर हम स्ट्रेट लाइन माइनस कर दे तो हमें बाउंडेड रीजन मिल जाएगा। तो ये आपके पास आने वाला है 0 टू 4, आपके पास पैराबोला है रूट 4x माइनस स्ट्रेट लाइन आपकी है x dx। यहाँ पर आप लिखेंगे 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, लिमिट है 0 टू 4। तो ये आपके पास आता है 4/3 इट्स पावर 3/2 माइनस 4 स्क्वेयर अपॉन 2 दैट इज 8, 32/3 माइनस 8 तो 8/3 स्क्वेयर यूनिट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एरिया ऑफ द इलिप्स आपसे बोला गया है, एरिया ऑफ द इलिप्स फॉर्मूला आपको लिखवाया था मैंने पाई इंटू ए इंटू बी। तो देखिए एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर अपॉन 9 स्क्वेयर इक्वल टू 1, तो आपके पास एरिया आने वाला है पाई इंटू 4 इंटू 9 स्क्वेयर यूनिट मीन्स 36 पाई स्क्वेयर यूनिट। तो आपके पास आंसर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, देखिए कर्व जो है अगर हम ध्यान से देखें आप 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या बनता है, आपके पास 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 2 इट्स स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स हमारे पास यहाँ बनती है ये इलिप्स। क्लियर, और इलिप्स का फॉर्मूला एरिया निकालने का हम जानते हैं वो होता है पाई इंटू ए बी स्क्वेयर यूनिट। तो आप यहाँ पर रखेंगे इसको, ए आपके पास है 1 और बी आपके पास है रूट 2, यहाँ से हमारे पास आ जाता है रूट 2 पाई स्क्वेयर यूनिट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल, देखिए सर्कल आपका सेंटर 0 0 दिया हुआ है और रेडियस आपको दिया हुआ है ए, कुछ इस टाइप से, चारों क्वाड्रेंट में इक्वल पार्ट्स होते हैं तो आप एक क्वाड्रेंट को निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया आप देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर 4 इंटीग्रेशन 0 टू ए रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा 4 एक्स बाय 2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 0 टू ए। तो ये आपके पास आने वाला है 4 इंटू ए स्क्वेयर बाय 2 इंटू पाई बाय 2, तो आपके पास आंसर आता है ए स्क्वेयर पाई स्क्वेयर यूनिट मीन्स आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एरिया ऑफ द इलिप्स, एरिया ऑफ द इलिप्स इजी क्वेश्चन है पाई इंटू ए बी स्क्वेयर यूनिट मीन्स अवर आंसर इज सी। आपको दिया हुआ एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 16x एंड ए लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स। तो देखिए अगर हम बात करें
वाई के प्लेस पे अगर हम एम एक्स रखें तो आपको मिलने वाला एम स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 16x, तो एम स्क्वेयर एक्स माइनस 16 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो x आपके पास देखिए 0 आता है और दूसरा आपको मिला है 16 अपॉन एम स्क्वेयर। तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें y इक्वल टू एम एक्स है, यानी कि जब आप 0 रखते हैं तो आपका x 0 है तो y भी 0 होगा, तो आपकी जो लाइन है वो सेंटर से पास होके जाने वाली है। और दूसरा आपको पैराबोला गिवन है x 0 तो y भी 0, और y स्क्वेयर है मीन्स y की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आपको लेनी है। तो ये कुछ इस टाइप से आपका ये फिगर आता है। तो देखिए आपको जो एरिया है वो कौन सा लेना है, ये एरिया आपका बाउंडेड एरिया आता है। तो सबसे पहले अगर हम पैराबोला में से क्या माइनस कर दें, स्ट्रेट लाइन, तो आपके पास ये रीजन आ जाता है। क्लियर? तो देखिए ये जो पॉइंट अभी हमने निकाल लिया, ये पॉइंट हमारा है 16 अपॉन एम स्क्वेयर। तो एरिया हमें दिया हुआ है 2/3। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, आपको एम फाइंड करना है। तो आप लिख सकते हैं 0 टू 16 बाय एम स्क्वेयर। पैराबोला आपके पास है रूट 16x माइनस में स्ट्रेट लाइन आपकी है एम एक्स सी एक्स। तो एरिया आपके पास है 2/3 इक्वल टू 4x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एम एक्स स्क्वेयर बाय 2, लिमिट आपकी 0 टू 16 अपॉन एम स्क्वेयर। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। देखिए सोल्व करने पे आपको मिलता है 2/3 इक्वल टू 8/3 इंटू 64/m³ माइनस एम बाय 2 इंटू 256 अपॉन एम की पावर 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/3 इक्वल टू 1/m³ अगर हम कॉमन लें, ये आपके पास आता है 512 अपॉन 3 माइनस 128। एम क्यूब इक्वल टू आपको मिलने वाला है यहाँ से 64। तो m इज 4। तो आवर आंसर इज बी ऑप्शन करेक्ट। देखिए एक फॉर्मूला आपको और बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है द एरिया बाउंडेड बाय टू पैराबोलास बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वेयर इक्वल टू 16x एंड x स्क्वेयर इक्वल टू 16y इज गिवन बाय, ये आपके चार ऑप्शन है यहाँ पर, 64/3 स्क्वेयर यूनिट, बी ऑप्शन आपका 256/3 स्क्वेयर यूनिट, सी ऑप्शन है आपका 16/3 स्क्वेयर यूनिट, और फोर्थ ऑप्शन आपका है None of these। देखिए आप नॉर्मली जैसे आप सॉल्व करते हैं, आप क्या करेंगे, टू पैराबोलाज यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। आपको पता है दोनों पैराबोला, एक आपका x एक्सिस पे बनने वाला है, दूसरा आपका y एक्सिस पे बनने वाला है। तो ये आपका पैराबोला होगा, तो जो एरिया आपका बाउंडेड किया गया है वो ये एरिया है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम इसमें से ये जो हमारी इक्वेशन है ये आती है y स्क्वेयर इक्वल टू 16x, इस पैराबोला में से हम ये वाला पैराबोला जो कि है x स्क्वेयर इक्वल टू 16y माइनस कर दें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए आप सबसे पहले तो x की लिमिट निकालेंगे, x जब आप निकालेंगे तो ये पॉइंट आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है आपका 16। तो आप लिखेंगे 0 टू 16 4 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 16। देखिए एक तरीका तो है ये जो कि आपका काफी लेंथी मेथड पड़ जाता है, तो मैं यहां पर आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट ट्रिक। देखिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास दोनों पैराबोला है और एरिया आपको फाइंड करना है तो आप लिखेंगे यहां पर, मान लीजिए आपके पास है y स्क्वेयर इक्वल टू 4ax और दूसरा आपको दिया हुआ है x स्क्वेयर इक्वल टू 4b1। तो आपके पास जो एरिया है ये आपका बनेगा दोनों का
आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं 16 AB अपॉन 3 स्क्वेयर यूनिट, आप याद रखेंगे इस फॉर्मूला को। तो देखिए अब इसकी हेल्प से हम करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए कितनी जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे। अगर हम देखें यहाँ पर आपके पास a आता है 4, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास b आ रहा है 4, क्योंकि आप इससे कंपेयर करेंगे वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4by। तो a भी आपको 4 मिल रहा है और b भी आपको 4 मिलता है, तो आपके पास एरिया जो है वो कितना आ जाएगा, 16 × 4 × 4/3 स्क्वेयर यूनिट, मीन्स 16 × 16 दैट इज 256/3 स्क्वेयर यूनिट। तो आप एग्जाम में ये फॉर्मूला याद रखेंगे ताकि आपका टाइम काफ़ी बच जाता है अगर आप फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेते हैं तो। क्लियर, तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है बी यहाँ पर करेक्ट है। ये थे आपके MCQs, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चैप्टर 8 के MCQs मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उसको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग अपना ड्रॉ करना है ग्राफ, और उस ग्राफ से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा एरिया पूछा गया और वो कैसे फाइंड आउट होने वाला है। तो प्रैक्टिस करते रहें, मिलते हैं हमारे नए चैप्टर में और MCQs के साथ। थैंक यू, बाय बाय।